नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय रेलवे और उसके निजीकरण के बारे में बात करेंगे। भारतीय रेलवे का जो निजीकरण हो रहा है उसके फायदे और नुकसान के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि भारतीय रेलवे जो है वो 1853 से सरकार के हाथों में चल रही है। अब क्या कर रही है सरकार, इसे निजी क्षेत्र को भी शामिल करने की बात कर रही है। भारतीय रेलवे के रेल मंत्रालय द्वारा संचालित होती है। भारतीय रेलवे को केंद्र सरकार सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाने के लिए चलाती है, ना कि लाभ कमाने के लिए। भारतीय रेलवे मार्च 2019 तक 67,415 किलोमीटर मार्ग की लंबाई के साथ आकार में दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का प्रबंधन करता है। भारतीय रेलवे को अगले 12 वर्षों में के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जबकि सरकार के पास इतना रुपया केवल इस सेक्टर पर खर्च करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे रेलवे का निजीकरण किस प्रकार होगा, ठीक है। वर्तमान में देश में 13,000 ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है, और डिमांड और सप्लाई के बीच समानता लाने के लिए 7,000 और ट्रेनों को चलाई जाएंगी। वर्तमान में इस ट्रेनों को रेगुलेशन और मैनेजमेंट इंडियन रेलवे द्वारा ही कर रहा है, लेकिन अब मैनेजमेंट का काम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में चला जाएगा। इस दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार ने इंडियन रेलवे के निजीकरण दिशा में कदम उठाते हुए 109 रूट्स पर 151 यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज को इनविटेशन दिया है। इन रूट्स पर चलने वाली ट्रेनें कम से कम 16 कोच होंगी और मैक्सिमम जो स्पीड होगा वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। 35 साल के लिए ये परियोजनाएं निजी कंपनियों को देगा। हालांकि इन सभी ट्रेनों में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के ही होंगे, जो निजी प्लेयर्स होंगे। भारतीय रेलवे को ट्रांसपेरेंट राजस्व प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित सकल राजस्व में हिस्सेदारी का भुगतान, निर्धारित ढुलाई शुल्क, वास्तविक खपत के अनुसार ऊर्जा शुल्क का भुगतान करेंगे। इस निजीकरण के पीछे भारतीय रेलवे का उद्देश्य रेलवे को लेट तलीफे से छुटकारा दिलाना, यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाना, यात्रियों को विश्व स्तर पर यात्रा का अनुभव कराना और सभी यात्रियों को कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराना है। तो ये अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे निजीकरण से क्या लाभ होंगे और क्या नुकसान होगा। इसके लिए हमने कुछ फैक्ट्स बनाए हैं जो कि जिस तहत सरकार का तर्क जो रहेगा उसके बारे में हम उसके लाभ और नुकसान दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने देखिए दिया है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। सरकार का यह तर्क है कि निजी भागीदारी के तहत बनने वाली सभी ट्रेनें मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनेंगी, जिससे रोजगार पैदा होगा, जो कि एक बहुत छोटा सा तर्क है, क्योंकि ट्रेनें बिना निजी सेक्टर को दिए बिना भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बन सकती हैं, ठीक है। दूसरा, उन्होंने सरकार ने क्या कहा है, कहा है कि ट्रेनें का जो रख रखाव होगा वो निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा, जिससे उसमें साफ सफाई रहेगी। तो ये सरकार का दूसरा तर्क था। उसके बाद उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में जाने से ट्रेनें क्या होंगी, समय पर पहुंचेंगी। यह तर्क बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि सरकार उन कमियों को दूर कर सकती है जिसकी वजह से ट्रेनें लेट होती हैं। जो निजी प्लेयर्स होंगे ऐसा क्या करेंगे कि ट्रेनें लेट नहीं होंगी। यदि निजी प्लेयर्स ट्रेनें लेट होने से रोक सकते हैं तो फिर सरकार क्यों नहीं रोक सकती, ठीक है। सरकार का अगला तर्क यह है कि सरकार यात्रियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाएगी, यात्रियों को बेहतर सुरक्षा, क्योंकि निजी प्लेयर्स ज़्यादा पैसा खर्च करके नई तकनीकी लाएंगे। इस तर्क में थोड़ा सा दम है, क्योंकि सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और सरकार के पास और अधिक धन नहीं है, ठीक। अगली बात हम लोग अगला फैक्ट देखिए है टिकटों के बीच डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर। टिकटों के बीच डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर को खत्म करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक। अगला है मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इन ट्रेन को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि इनकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जा सके। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोगों के समय की क्या होगी, बचत होगी, ठीक है। अगला है बड़ी संख्या में नौकरी खत्म हो जाएगी। ये देखिए, रेलवे के निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इससे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, क्योंकि निजी प्लेयर्स कम लोगों को ज़्यादा काम करवाकर
लाभ अधिकतम करना पसंद करेंगे। तो इससे क्या होगी, बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तर्क ये है कि प्राइवेट वर्सेस सरकारी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, इस बात की संभावना है कि प्राइवेट ट्रेनों को क्लियर सिग्नल दिया जाए, क्योंकि सरकार कह रही है कि वो टाइम से पहुंचेगी, समय से पहुंचेगी, तो इसके लिए प्राइवेट ट्रेनों को क्लियर सिग्नल दिया जाए जिससे वो ट्रेनें समय पर पहुंचेंगी और सरकारी ट्रेनें स्टेशन से बाहर खड़ी होकर सिग्नल का इंतजार करती रहेंगी। तो ये होगा प्राइवेट और सरकारी सेक्टर के अंतर। ठीक है, उसके बाद देखिए गरीब और मध्यम वर्गों पर क्या असर पड़ने वाला है। निजीकरण का सबसे भयंकर प्रभाव जो है वो गरीब और मध्यम वर्ग को पड़ेगा, क्योंकि जो रेलवे का किराया है उसका बढ़ोतरी होना तय है, और जिससे इन दो वर्गों पे जो गरीब लोग होंगे और जो मध्यम वर्ग होगा वो इन किरायों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि रेलवे का जो निजीकरण है वो ठीक वैसा ही परिणाम लाएगा जैसा सरकारी और निजी स्कूलों के बीच है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है और निजी स्कूलों में फीस इतना ज़्यादा है कि हर कोई दे नहीं सकता। तो ये थी रेलवे के निजीकरण से संबंधित जो भी फैक्ट थे, जो भी हम लोगों को जानकारी चाहिए थी वो ज़रूरी थी। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोगों ने लिया। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन होंगे आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।